नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष महोबिया और मैं SBS साईं बाबा आई हॉस्पिटल से हूं। आज मैं आपको कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने नहीं सुनी और कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं या आपके परिवार में कोई यूज़ करता है उसे ना पता चले तो उसकी आँखें खराब भी हो सकती हैं और साथ ही उसका चेहरा भी कुरूप हो सकता है। तो कॉन्टैक्ट लेंस लेते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, हमेशा ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंस लें। जी हाँ, सस्ते कॉन्टैक्ट लेंस जो बहुत फेमस कंपनी के नहीं हैं जैसे बॉश एंड लॉम, ज़ाइस एटसेट्रा एटसेट्रा, उनसे हम बचें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें क्वालिटी कंट्रोल या उसका स्टरलाइजेशन यानी कि कीटाणु रहित करना हो सकता है बहुत अच्छा ना हो, जिससे कि अपनी आँखों में संक्रमण हो सकता है और आँखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। नंबर टू, हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस किसी ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र विशेषज्ञ से लें। ट्रेंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र विशेषज्ञ जो होते हैं इस विधा में ट्रेंड होते हैं, उन्हें उसका सही गलत की पूरी ट्रेनिंग होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ऑप्टिशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट के भी 2 से 4 साल के कोर्सेज होते हैं जो डॉक्टर्स नहीं होते लेकिन पूरी तरह ट्रेंड होते हैं और उनको उसके बारे में पूरी जानकारी होती है और हमको ये सुरक्षित रखते हैं। नंबर थ्री, हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस लेते समय उसकी एक्सपायरी चेक कर लें। कई बार कॉन्टैक्ट लेंस पुराना स्टॉक का होता है, उसकी एक्सपायरी निकल गई होती है तो उसमें केमिकल डैमेज और संक्रमण दोनों होने की संभावना रहती है और हमारी आंखों की रोशनी को खतरा हो सकता है। नंबर चार, कॉन्टैक्ट लेंस का पावर और चश्मे का पावर सेम नहीं होता। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई ट्रेन कॉन्टैक्ट लेंस देने वाला बंदा होगा उसको ये बात पता होती है कि कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर और चश्मे का नंबर हमेशा सेम नहीं होता। तो अगर वो जानकार व्यक्ति है तो कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर चश्मे के नंबर से निकाला जाता है, सेम नंबर हम कभी नहीं पहनते। नंबर पाँच, कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर अगर आपके पास सिलिंड्रिकल पावर है तो अलग पावर आता है। इनफैक्ट सिलिंड्रिकल पावर के लिए अलग प्रकार के कॉन्टैक्ट लेंस भी आते हैं जिसे हम टोरिक कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। तो अगर आपको स्फेरिकल पावर के साथ साथ सिलिंड्रिकल पावर भी है और आपने सिर्फ स्फेरिकल कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है तो हो सकता है वो आपके लिए अच्छा हो, और अगर एक से ज़्यादा सिलिंड्रिकल पावर है तो आपको कायदे से टोरिक लेंस पहनना चाहिए। नंबर छः, अगर कभी आँख लाल हो तो कृपया उस कॉन्टैक्ट लेंस को ना पहने और तुरंत निकाल दें या जितने जल्दी हो सके निकाल दें और एक अच्छे डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, प्रेफरेबली एक नेत्र विशेषज्ञ या ऑप्थल्मोलॉजिस्ट को दिखा के एक दवाई या एंटीबायोटिक की शुरुआत होनी चाहिए वरना खतरा हो सकता है। नंबर सात, बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम कॉन्टैक्ट लेंस का पानी चेंज नहीं करते हैं। अरे भाई, पैसा बचाना हो तो कोई और बचाएं, हेल्थ में कोई रिस्क मत लीजिए, इसमें आपकी आंख जा सकती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस का पानी हर बार अपने को हर रात को चेंज करना होता है और कॉन्टैक्ट लेंस लगाने और निकालते समय जो विधि आपको सिखाई गई होगी उस विधि से साफ करके उसको यूज़ करें। नंबर आठ, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के बाद अगर आपको दिक्कत आती है तो तुरंत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, उसको चलाएं नहीं। लाल हो रही थी आँख, आँख गड़ रहा था तो हमने फ़ोन नहीं किया, 10 दिन बाद 5 दिन बाद आप आएंगे। कभी कभी समस्याएं बहुत छोटे रूप में होती हैं, शुरुआत में हो सकता है आपको बहुत तकलीफ ना दे, हल्की तकलीफ होने पर भी तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उसका निदान पाएं। नंबर नौ, एक कॉमन गलती ये होती है कि खासकर महिलाएं कॉन्टैक्ट लेंस लगाते समय निकालते समय अपनी उंगली का इस्तेमाल करती हैं और हाथ धो के उसको इस्तेमाल नहीं करती। नंबर 10, कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते समय अगर आप उंगली का इस्तेमाल करते हैं और एप्लीकेटर का इस्तेमाल नहीं करते तो प्लीज़ अपनी एक उंगली का नाखून काट लें। नाखून में बहुत सारा संक्रमण होता है और वो संक्रमण आपकी आँखों में जा सकता है, साथ ही साथ नाखून से कॉन्टैक्ट लेंस फट सकते हैं तो महंगे कॉन्टैक्ट लेंसेज हमारे नाखून के कारण खराब हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हो सके तो डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज का यूज़ करें। डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ दिन तक इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके बाद हम उनको फेंक देते हैं। याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर गीली मॉइस्ट जगह पर रखी जाए और लंबे समय तक रखी जाए तो कभी भी पूरी तरह संक्रमण रहित नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हर प्रकार के कीटाणु को रोक पाए, तो कॉन्टैक्ट लेंस यथासंभव डिस्पोजेबल यूज़ करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं या हमारे गूगल पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।